राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल से डोनेशन मिलने के मामले में बीजेपी लगातार सातवें साल टॉप पर रही है। 2019-20 में बीजेपी को डोनेशन से 750 करोड़ रुपए मिले थे। ये रकम कांग्रेस को मिले डोनेशन 139 करोड़ रुपए के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। तीसरे नंबर पर शरद पवार की एनसीपी है, जिसे 59 करोड़ रुपए मिले। इस दौरान सीपीएम को डोनेशन से 19.6 करोड़ जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 8 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं सीपीआई को 1.9 करोड़ का चंदा मिला था। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट दी है। बहुजन समाज पार्टी को सबसे कम डोनेशन प्राप्त हुआ है। बहुजन समाज पार्टी को विशेष तौर पर बहुजन समाज के लोग चंदा देते हैं। बहुजन समाज पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख डोनर में बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर की जुपिटर कैपिटल, आईटीसी ग्रुप, मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोढ़ा डेवलपर्स, बीजी शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, द प्रूडेंट इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट और जन कल्याण इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट प्रमुख रहे हैं। इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट एक ऐसी कंपनी होती है जिसे राजनीतिक दलों में बांटने के लिए कॉर्पोरेट हाउसेस से फंड मिलता है। इसके जरिए राजनीतिक दलों को डोनेशन देने वाले कॉर्पोरेट अपनी पहचान बताए बिना रकम दे सकते हैं। बीजेपी को डोनेशन देने वालों में 14 शैक्षणिक संस्थान भी शामिल है। इनमें मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपए दिए थे। वही एलन करियर कोटा ने 25 लाख और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से 10 लाख की रकम दी थी। इसी तरह जीडी गोयन का इंटरनेशनल स्कूल सूरत और पठानिया पब्लिक स्कूल रोहतक से 2.5 लाख और लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल भिवानी से 21,000 रुपए मिले थे। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर और एप्पल iOS ऐप स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे YouTube पर भी। आप हमारे YouTube पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।